हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड क्लासेस। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप सभी को अपने घर में खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी पूरी मजेदार के साथ चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज का यह चैप्टर, आज का यह वीडियो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नॉट 1, क्योंकि 1 तो हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, आज हम लोग क्या बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले। ठीक है, और यह जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जो सीरीज स्टार्ट हुआ है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, पूरी तरह से एपी का बन रहा है। इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो आप लोगों को दिया हुआ है वो सारा मेरा पेज पर वीडियो है, आज सब बोर्ड पर अवेलेबल हो गया है। अब बोर्ड पर आपको वीडियो देने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी, मार्कर में इंक नहीं था और लॉकडाउन के कारण दुकानें खुल नहीं रही थी, बट मैं कहीं से जुगाड़ करवाया, खुला मिला तो आज मैं आया हूँ और फिर सब बोर्ड पर अवेलेबल हो गया हूँ। अब जितने वीडियो जाने वाला हूँ कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स वो सारे वीडियो आपको बोर्ड पर ही मिलने वाली है। क्लियर है? तो चलिए आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लो, एक सेकंड, सॉल्यूशन देखने से पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रही है। क्लियर, ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको बताता हूं, प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने जिस तरह से बनाया था सेम प्रोसेस है, सेम उसी तरह से बनेगा। क्लियर, इसमें कुछ भी चैलेंज नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू जो दिया हुआ है, डाटा जो दिया हुआ वो चैलेंज करना है, बाकी सारे प्रोसेस वही है। क्लियर है? सबसे पहले क्या करेंगे, 11th टर्म ऑफ द एपी, यहां पे बोला जा रहा है कि इसमें 11th टर्म ऑफ द एपी फाइंड करना है। क्लियर, और यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ 28, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है। क्लियर, अब इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको हम लोगों को क्या करना है, टिक आउट करना है, लेकिन टिक आउट करने के बाद बोलते हैं जस्टिफाई करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस से बना लेंगे फिर हम लोग टिक आउट करेंगे, तो जस्टिफाई हम लोगों हो जाएगा और हम लोग टिक आउट में करेक्ट को कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं 11th टर्म ऑफ द एपी क्या होता है। देखिए यहां 11th टर्म ऑफ द एपी निकालना है, एपी सीरीज यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख देंगे गिवन एपी जो दिया हुआ है। ठीक है, गिवन एपी क्या दिया हुआ है, यहां पर -3 दिया हुआ है, -1/2 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, डॉट 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 दिया हुआ है। क्लियर, अब हम लोग को यहां पे करना क्या है, सबसे पहले a1 दिया हुआ है यानी फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म में दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, हम लोग ये दोनों से ही करना है और थर्ड टर्म दे या ना दे कोई मैटर नहीं करता हमको, हम यहां से निकाल लेंगे। क्लियर, तो चलिए हम फर्स्ट टर्म बात करते हैं, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है -3 एंड a2 यानी सेकंड टर्म दिया हुआ है -1/2। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पता है कि हम लोगों को d निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो d निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, हम बोले थे आपको याद भी होगा a2 - a1, तो यहां पर करेंगे क्या, देखना है यहां पर -1/2, ठीक है, -1/2 एंड -3, सॉरी -1/2 -3 क्योंकि ये नेगेटिव पर है। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे -1/2, -1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 3, अब इसको लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बाय 2 और ऊपर में कितना हो जाएगा 5, ठीक है, तो 5/2 आ जाएगा। क्लियर, अब लोग का ये हो गया डी मेरा आ गया 5/2। अब लोग बात करते हैं an निकालना हम लोग, ठीक है, an का फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट, यहां पर लिखते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब an की जगह पर कितना टर्म निकालना है, 11th टर्म निकालना है, क्या निकालना है, a 11th निकालना है। क्लियर है, तो a 11th लिखेंगे, a का जगह पर वैल्यू हमारा -3 प्लस n की जगह पर हम लोग 11, क्योंकि 11th टर्म निकालना है तो n इक्वल टू 11th हो जाएगा। ओके, -1 एंड d के जगह पर वैल्यू हम लोग लिखेंगे 5/2। ओके, अब a 11 -3 प्लस, अब यहां पे 11 -1 10 एंड 5/2, a 11 इक्वल टू -3
प्लस आप यहां पर इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है, यहां से डायरेक्ट इसको कट करते हैं, कितना हो जाएगा 5 बार में, ठीक है, ऑफ यहां पे 25, क्लियर है। अब यहां पर देखना है A11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 प्लस 25, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 22, यानी A11 जो टर्म है हमारा, ठीक है, जो बोला गया था A11 टर्म ऑफ डीपी वो कितना गया 22। अब यहां पर देखना है कौन सा ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है, यानी लिख देंगे बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये A11 हम लोगों ने फाइंड कर लिया। उम्मीद करते हैं वीडियो ये अच्छा लगा होगा आप लोगों को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई की सिलसिला कभी नहीं थमती है। हमें दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं आपके अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।